नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं मुकेश गिल, आपकी रीजनिंग टीचर। देखिए, हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं 50 क्वेश्चन का एक रीजनिंग का जो है सेट होता है, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन जो है वो मिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैसे ही क्वेश्चन का एक सेट, जिसमें है 50 क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप ले लीजिए अपने हाथ में नोटबुक और पेन पेंसिल ले लीजिए, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, 1 में हमारे पास क्या दिया है, हमें रिलेशन निकालना है। मैथमेटिक्स में होते हैं फॉर्मूले, केमिस्ट्री में क्या होती है, केमिस्ट्री में होती है हमारे पास रिएक्शंस होती हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो क्लियरली आ जाएगा, बिना कुछ भी सोचे आंख बंद करके लगा दीजिए फर्स्ट ऑप्शन पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमें बताना है ये दोनों का रिलेशन है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें y से d, y होता है 25, d होता है 4। वापस अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा बहुत दूर। अगर हम इसको यहाँ से लेकर के चले सेकंड में, तो हमारे पास क्या बनता है, +5 का जो है वो रिलेशन बनता है। ठीक है, +5 का। आगे देखिए, ओ 15, यू जो है वो 21, 15 से 21 पे बनता है +6 का। और एन होता है 14, यू होता है 21, यहां से बनता है +7 का। मतलब क्या बन गया, +5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इस तरह से रिलेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो इस पे देखिए, जे जे 10 + 5 करेंगे तो 15 पे आएगा ओ, ए 1 होता है, +6 करेंगे 7 आ जाएगा जी। ओ और जी को लेकर के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। और सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं। 49 से हम चले गए 169 पे। 49 होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 66 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारी ये जो ट्रिक है ये तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं होता कि हमारी जो भी ट्रिक हो वो एज इट इज जो है वो हमारे काम में आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अब हमें जो है वो कैसे करना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो मेरे पास यहाँ पर 49 से 169 जो है, यहाँ पर देखिए 49, 49 मेरा बन सकता है यहाँ सर, यहाँ पे 4 और 9। अगर 4 और 9 को किया जाए ऐड, 4 और 9 को अगर ऐड किया जाए तो ये बनता है 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169। 6 और 6 की बात करें तो 6 + 6 होता है 12, 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 144 जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स मेरा आ जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कीजिए, ये ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं और आप मुझसे पीछे रह जाए। अगर आप पीछे रह गए तो फिर आपके लिए ना क्लैपिंग होगी, ना ही मैं आपको आज के शाबाशी दूंगी। जल्दी से कीजिए। ऑड वर्ड निकालना है, मोबाइल, कंप्यूटर, फाउंटेन पेन और टेलीविजन। मोबाइल, फाउंटेन, सॉरी, कंप्यूटर और टेलीविजन, ये तीनों चीजें जो हैं ये हमारे क्या आते हैं, ये हमारी मीडिया होती है काम करने की या फिर चीजों को शेयर करने की। फाउंटेन पेन जो होता है वो हमारी फिजिकल चीज है, किसी भी नोटबुक या बुक पे लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओड वन आउट जो है वो सही है, और मेरे साथ साथ आपका भी बिल्कुल सही है कि आपने मुझसे भी पहले जो वो आंसर दिया है। लेकिन आज आपकी क्लर्किंग जो है वो बहुत महंगी है। क्लर्किंग तभी मिलेगी जब ट्रिकी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए, टू बी एन और पी हमें बताना है ओड पेयर, 2 और ये 14, इसको कर दें अगर ऐड तो P16 बन जाएगा। G7 I9 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा, मतलब R तो होता है 18, नहीं बना। LM की बात करें, L12 M13 Y25, इसका मतलब क्या है? B जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा B। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखिए, फिर से ओड नंबर का ग्रुप हमें बताना है, तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसके आंसर की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, 64, 49, 289, 169, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का है, ये 17 का है, और ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, और रही बात इसके साथ के दूसरे नंबर की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए 1 + 4 + 3 क्या बन रहा है, 8, जो कि 8 का स्क्वायर हो गया। यहां से 2 + 3 5 + 2 7 का स्क्वायर हो गया, 7 और 1 8,
एट एंड नाइन 17 का जो है वो एग्जैक्ट स्क्वायर हमारा बन रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए 4 प्लस 6 10 होता है, 10 और 2 जो है वो 12 होता है, 4 प्लस 6 होता है 10, 10 और 2 होता है 12 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहां पर, ये जो है वो ओड पेयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। और क्लैपिंग चाहिए तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइए, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर रहे, आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि ऑप्शन के आंसर आपके निकल रहे हैं क्वेश्चन के, लेकिन जितना टाइम सेव करेंगे, आंसर तो देखिए निकल ही जाएगा लेकिन अगर टाइम बर्बाद कर दिया तो क्या फायदा हुआ, हमें निकालना है लिमिटेड टाइम के अंदर। तो चलिए इस बार जैसे ही आपका आंसर आएगा आपको मिलेगी जबरदस्त क्लैपिंग, रिश्वत देकर काम करवाना पड़ता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास क्या है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। तो देखिए हमारे पास 4 5 4 5, तो इसका मतलब 4 5 में से फर्स्ट तो हमारा यही बनेगा। 4 5 में देखिए ई एक्स ए और यहां है ई एक्स एच, तो 4 आ जाएगा पहले, 5 आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि 5 ही उसके बाद आए, हमारे सिर्फ ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे यहां से। आगे देखिए 4 के बाद 3 दिया है, 5 नहीं आएगा, 4 के बाद आएगा 3, उसके बाद 1 और 2 में से कंपटीशन हो रहा है 1 और 2 का। देखिए ए एक्स ए सी और ए एक्स ई एक्स ओ, तो ये आ जाएगा हमारा पहले, तो हमारा बन जाएगा 4 3 1 जो है वो हमारा पेयर एग्जैक्टली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो चलिए अब करते हैं आपके क्लैपिंग की तैयारी, बताइए इसमें आएगा क्या, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो मिसिंग टर्म है वो बताइए। तो देखिए ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 6 का क्यूब, दैट इज 216। 216 तो हमें 3 में दे रखा है, तो आपकी ये ट्रिक तो हो गई फेल, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए F होता है हमारा 6, ठीक है, L होता है 12, R होता है 18, 6 की टेबल में आगे आएगा 24 जो कि होता है X, ये भी कैंसिल हो गया। K होता है 11, Q 17, R W होता है 23, 23 में फिर 6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारे पास आना चाहिए यहाँ से 8th में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से C बन जाएगा अगला, इसमें 24 में आगे 6 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, इसका मतलब क्या है एक पोजीशन कम, तो हमारे पास A B C जो है वो थर्ड पोजीशन आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा मेरा यहाँ से 8th क्वेश्चन का C। और एक क्लैपिंग अब तक के सभी क्वेश्चंस के लिए जो आपने जो है वो सॉल्व कर दिए हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हो तो टीचर को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 में देखिए, 9 में 19 11 13 16, यहां से क्या बन सकता है हमारे पास। देखिए सेम सीरीज में तो गैप जो है वो कहीं भी हमारा सेम नहीं है, दो दो के सीरीज में भी देखें तो भी जो है वो सेम नहीं आ रहा, तीन तीन की सीरीज चेक करते हैं क्योंकि आजकल 3 की सीरीज का बहुत ट्रेंड है। तो 19 से 16, 16 से 13, 13 से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारा -3 का जो रूल है वो फॉलो करेगा, तो 10 के ऊपर कर दीजिए यहाँ पर कलर टिक जो है वो कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, 10 में देखिए हमें पुनित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉकड स्ट्रेट 10 किलोमीटर वेस्ट, वो चला गया वेस्ट की तरफ यहां 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्ड राइट मतलब क्लॉकवाइज एंड वॉकड 12 किलोमीटर, ऊपर गया वो राइट में 12 किलोमीटर, उसके बाद फिर से राइट टर्न और 7 किलोमीटर, यहां पर आ गया वो 7 पे, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम पॉइंट आर, आर से कौन सी डायरेक्शन में है, आर से वो हो गया सेंटर की डायरेक्शन में, मैंने बताया था ना ये नॉर्थ ये वेस्ट, बीच की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, बिना सोचे समझे जो आंसर लगा दीजिए। और आपका जो ऑप्शन की तरफ मेरा बराबर ध्यान लगा हुआ है, ये मत सोचिए कि मेरे पास जो है वो आपके ऑप्शन में पढ़ नहीं रही, ठीक है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 9:4, पी और क्यू की जो प्रेजेंट रेशियो है वो 9:4 है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 20 इयर्स, मतलब क्या है 9x ले लीजिए 4x ले लीजिए, वो डिफरेंस है 20 का, 5x 20 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 4,
ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 इयर्स। तो अभी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उनकी, प्रेजेंट एज तो उनकी यहां से हो जाएगी 9 into 4 36 और 4 into 4 16, तो 36 और 16, और 10 इयर्स बाद हो जाएगी 46 और 26, ऐड कीजिए 2 और 7, 72 जो है वो आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेजेंट एज निकालने के लिए तो 9 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब वो कह रहा है उनकी एज का सम बताइए आज से 10 साल बाद। अगर मान लीजिए आज मैं 30 साल की हूं, तो 10 साल बाद मैं 40 साल की हो जाऊंगी, और जिसका ऐड करना है उसकी भी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। तो 36 + 10 = 46 और 16 + 10 = 26, उनको ऐड कीजिए 72। और अगर उनकी आज की एज की बात करें, आज का टोटल है उनका 52 इयर्स, उनका आज का टोटल है, उनका आज का टोटल क्या है, 52 इयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हमें बताना है द लेटर विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, रीजनेबल से कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बनेगा। रीजनेबल से अगर हम बात करें, हमारे पास यहां से क्या वर्ड नहीं दे रखा, हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें सीजन में, सीजन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, सीजन में हमें डबल एस लगा रखा है, जबकि हमारे रीजन में जो है वो सिंगल एस है, इसलिए ये वाला वर्ड जो है वो नहीं बनेगा। हमें हर वर्ड को, लेटर को एक ही बार जो है वो लेना होता है, रिपीट नहीं करना होता। पनिश्ड को लिख दिया 288, टेलर को लिख दिया 225, रिलीज्ड को बताना है। अब देखिए, या तो ऐड किया होगा या फिर किया होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। पनिश्ड के निकालते हैं 16, U की हो गई 21, N 14, I 9, S जो है वो 19, H 8, E 5 और D 4। कीजिए ऐड, 16 + 21 हो गया हमारा 37 + 14 = 51 + 9 = 60 + 19 = 79 + 8 हो गया हमारा 87, 87 + 5 = 92 + 4 = 96, 96 से इन्होंने बना दिया 288, 96 बनेगा या कुछ और बनेगा, फिर से काउंट कीजिए क्या बनेगा हमारे पास, फिर से काउंट करते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 16 + 21 ये हो गया हमारा कितना 37, + 14, 37 + 14 = 51 + 9 = 60, ये हो गया 79 + 8 = 87 + 5 = 92 + 4 = 96, ठीक है। तो 96 को 288 बनाने के लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, शायद से ये हो गया 8 एंड ये हो गया फिर से 828, राइट। तो क्या किया, सम करके उसको 3 से करना है मल्टीप्लाई, सम करके उसको क्या करना है, 3 से करना है मल्टीप्लाई। तो निकालिए रिलीज्ड का क्या आएगा, रिलीज की अगर बात करें, R होता है 18, E5, L12, E5, A1, S19, E5 और D4, ठीक है। तो निकालिए 18 प्लस 5 23 प्लस 12 35 प्लस 40 41 एंड 19 हो गया 60, 69 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 20, 207 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, और एक क्लैपिंग आपके बिल्कुल सही आंसर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हम टाइम बहुत वेस्ट करें, जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंबल्स लगाने हैं ताकि इसकी सीरीज को हम कर सके जो है वो एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, लास्ट में देखिए इक्वल जो है वो मुझे लगता है कि इक्वल के जो सिंबल हैं वो कहीं ना कहीं या तो इसमें सॉल्व हो सकते हैं। तो दोनों इक्वल वालों को लगा करके देखते हैं पहले। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 इंटू 4 आ गया 20, और ये लीजिए हमारा जो तीर है वो एग्जैक्ट निशाने के ऊपर जा करके लगा है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा यहां से थर्ड, सी जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। $19.7 = 312, ठीक है, $19.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, तो भी बहुत कम आएगा हमारे पास, तो कुछ कुछ और सोचना पड़ेगा, स्क्वायर पे ले चलते हैं, ठीक है। 19 का स्क्वायर होता है 361,
सेवन का होता है 49, तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। 3 1 2 आंसर है, 11 में से 9 गया, 2 1 एंड 3। यस बिल्कुल सही जो है, 23 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, 569 होता है शायद से 569। चलिए करके देखते हैं, कोई बात नहीं, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से सोच लेंगे। यहां से आ गया 8 8 और 5 सॉरी 4, तो हमारा जो है वो बिल्कुल सही है ये भी। तो 31 का स्क्वायर निकालिए क्या होता है, 11 का तो होता है 121, जिसे माइनस करना है, और 31 का होता है हमारे पास 1331 होता है, किसको करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1210। 31 का हो जाएगा हमारे पास 900, ठीक है, 30 का, और यहां से आ जाएगा हमारे पास 1221 आ जाएगा शायद, करके देखते हैं एक मिनट। 31 का स्क्वायर क्या होता है 31, एंड यहां से आ जाएगा 961 होता है, गलत हो गया हमारा, हमारे पास होता है 961, तो 961 में से 121 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 0 4 एंड 8, 840 जो है वो आंसर आ जाएगा इजिली, ठीक है, और बिल्कुल सही आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में बतानी है मिसिंग नंबर जो है वो निकालना है, तो निकालिए क्या आएगा, यहां से देखिए 3 एंड 2 5 एंड 3, क्योंकि जिस तरफ जो बड़ा नंबर होगा लाइन के एंड में, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में, हमारा क्वेश्चन 99% उसी तरफ सॉल्व होगा। बड़ी वैल्यू इस तरफ है तो हो सकता है कि हमारा जो आंसर हो क्वेश्चन नंबर 16 है वो ऐसे ही होगा। देखिए क्यूब से या स्क्वायर से आंसर नहीं निकलेगा, अगर 3 + 2 को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास बनेगा 5, और इसकी पावर जो है वो 4 निकालते हैं, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, तो ये हमारा डेफिनेटली क्या आएगा 625 ही आता है, 5² × 5² 5 + 3 किया तो 8 की पावर 4 जो है वो ये आ जाएगी। अब करना है 4 + 2 6, 6 की पावर 4, इसका मतलब 36 × 36, और ये हमारा आएगा 1296, इसका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा 16 का, हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, और ये फिगर, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हर रोज हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है, और मैं डेली आपको इसकी ट्रिक जो है वो बताती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके के हमारे पास कितने ट्राइंगल बनते हैं, इस तरीके के एक तो बन गया है ये, ठीक है, 1 2, इसमें 3 ट्राइंगल होते हैं, एक यहां से बन गया, एक ये छोटे वाला बन गया, 3 इसमें हो गए, और एक जो है वो बड़े वाला बाहर की साइड से बन गया, तो 3 इसमें हो गए, 9 तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही हो गए। चलिए बढ़ते हैं और जो ट्राइंगल, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि जब हम फिगर्स को मैच मिक्स करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स भी बनेंगे, ठीक है। एक बन गया देखिए ये, एक इसके नीचे, ठीक है, एक जो है ये बड़े वाला बाहर, और एक जो है वो इसके नीचे, मतलब 9 यहां से, 9 + 4 13, तो यही हो गए। और भी बनते हैं क्या, और चेक कीजिए, हो सकता है हमारे पास जो है वो कुछ और भी बन जाए, क्योंकि हो कभी कभी क्या होता है कि फिगर्स को मैच करने के बाद हमारे पास जो है वो ज्यादा बन जाते हैं, तो हमारे पास और क्या बन सकता है, और भी चेक करते हैं। और देखिए ये बड़े, ये जो यहां से फिगर कौन सी बन सकती है हमारे पास, यहां से हमारे पास बन सकती है और एक जो है ये वाली, ये बड़ी फिगर और एक यहां से, ये 2 रह गई हमारी, तो 13 + 2 15 जो है वो इसका एग्जैक्टली राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, और स्टार्स ट्विंकल, ऑल सैटेलाइट्स ट्विंकल, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्विंकल, इसके अंदर स्टार भी आ जाएंगे और इसके अंदर सैटेलाइट भी आ जाएंगी, ठीक है। तो सम स्टार्स आर सैटेलाइट, बिल्कुल नहीं, कहीं भी गिवन नहीं है, सम स्टार्स ट्विंकल, सम की कंडीशन जो है वो आ जाएगी, वैसे तो ऑल ही है, तो सिर्फ 1 जो है वो फॉलो करेगा, यहां से हमारा 18th का जो है वो आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, 18th का हमारा यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ओनली 1 जो है वो फॉलो करेगा, तो कौन सा आ जाएगा, यहां से ए ऑप्शन हमारा इजिली आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ये है मेरे फेवरेट क्वेश्चन, हमें निकालना होता है कि क्यूब में जो डाइस या क्यूब के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
क्या है हमें बताना है, व्हिच इज अपोजिट टू द एन, एन के अपोजिट क्या आएगा। सबसे पहले तो कॉमन ढूंढिए, क्या है इसमें कॉमन। कॉमन देखिए मेरे पास पी है, ठीक है, पी से चलिए हमारे पास ऐसे, पी से चलेंगे ऐसे, ऐसे जब चलेंगे तो यहां से आ जाएगा जेड। मतलब क्या है कि क्यू जो है वो जेड की अपोजिट है, हमें नहीं चाहिए। जेड से आगे चलिए आर, क्यू से आगे एन, तो मतलब एन जो है वो क्यू की अपोजिट है। जी हाँ, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और एक क्लैपिंग जो है वो इतने क्वेश्चंस के बाद तो बनती है, अदरवाइज कहेंगे कि मैम ने क्लैपिंग करनी ही छोड़ दी है। देखिए आपको शायद ये फोर्थ फिगर आपको दिखाई ना दे, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ इन सभी को, ताकि आपको जो है वो दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये फिगर्स यहाँ से चेंज कर दी मैंने, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारे पास हमें निकालना किसके लिए है, निकालना है हमें कंट्री, स्टेट और सिटी। तो देख लीजिए ये कंट्री होती है, उसके अंदर स्टेट होती है, उसके अंदर सिटी होती है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन जो है यहाँ से डी ऑप्शन है हमारा, इजीली जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से क्या आ जाएगा, आपके पास पिक्चर जो है वो दे रखी है, थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, दिखाई दिया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें करना है इस फिगर को कंप्लीट। कंप्लीट कीजिए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास ऐसे और ऐसे, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको करेंगे यहां से ऐसे कंप्लीट, और देखिए यहाँ ट्रायंगल ऊपर की तरफ था, यहाँ उसको नीचे कर दिया। अब सेमी सर्कल ऊपर है तो हम करेंगे सेमी सर्कल को नीचे, ऐसे बनेगी हमारी। तो ये गलत, ये भी गलत, और ये उल्टी साइड में है, तो ये ऑप्शन हमारा 21 का आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इजिली आ जाएगा हमारा आंसर, आ जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब अगला क्वेश्चन भी जो है वो सेम है। सेम का मतलब क्या है कि हमें बताना है जो ऊपर फिगर दी गई है वो कौन सी फिगर के अंदर जो है वो इंक्लूड हुई है, ताकि हम उसको पहचान सके। तो ये देखिए ये जो है इस तरह की फिगर, ये किसमें गिवन है स्टूडेंट्स, ढूंढिए ढूंढिए, ये रही यहाँ पर ए फिगर में, मैं बना देती हूँ, पहचान लीजिएगा। आ गई पहचान में, जी हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में फिर से देखिए हमारे पास क्या है, 23 में हमें बताना है कि हमारे पास जो है वो जब पेपर फोल्ड कर दिया चारों तरफ से, चारों जो सेमी सर्कल है 6 के 6 सेमी सर्कल अंदर फोल्ड कर दिए और फिर यहां से सर्कल काट दिए, जब मैं इसको खोल लूंगी यहां से 2 सेमी सर्कल ऐसे बनेंगे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, आधा सर्कल यहां से कम हो जाएगा ऐसे, यहां से एक कटेगा तो उसका भी कट जाएगा ऐसे, तो कौन सा बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा बी ऑप्शन, अंदर के 3 सेम रहेंगे कट, और जो बाहर का कट है वो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएंगे, सेमी सर्कल जो है वो बाहर की तरफ कट जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 24 में देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या आएगा, मिरर इमेज बनानी है। ये फोर्थ जो फिगर है मैं इसको यहां शिफ्ट कर देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ये मेरी क्या है फोर्थ फिगर जो है मैंने उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहां पर हमें बतानी है इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज बनेगी तो देखिए ये एल उल्टा, दूसरा जो एल है उल्टा, गलत बना दिया मैंने, उल्टा जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, मतलब किस तरह से बनेगा, वो ऐसे बनेगा, फिर ऊपर वाला ऐसे बनेगा। ढूंढिए हमारे पास, हमारे पास क्या है, एल तो सभी के अंदर गिवन है और सेकंड फिगर भी जो है वो गिवन है, हम वर्टिकली चेक करते हैं, वर्टिकली बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ऐसा बनेगा तो ये गलत, और उसके बाद ये भी गलत, और उसके बाद ये भी गलत, हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जैक्ट राइट आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, 25 में हमें मैट्रिक्स निकालनी है और पैक की वैल्यू निकालनी है, पी ए सी के, पी ए सी के 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास,
देखिए इसकी एक ट्रिक होती है कि सेम वर्ड के लिए हमें ये देखना होता है कि सेम वर्ड के लिए हमारे पास कौन से दो नंबर जो है वो पास पास दे रखे हैं। जैसे अगर मैं यहां से चेक करूं 65 और 68 दोनों के लिए दे रखे हैं, तो चेक करते हैं इनमें से एक तो डेफिनेटली रॉन्ग मिलेगा क्योंकि दो दोनों पास पास हैं। 65 और 68 की अगर मैं बात करूं, पहला नंबर रो का होता है, रो का, और दूसरा जो होता है वो कॉलम का। तो 65 की बात करें, ये 6 और ये 5, देखिए ये टी को शो करता है, के को नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। 68 की अगर बात करें, तो ये 6 और ये 8 के बनता है, ये तो सही आ जाएगा। 76 और 97, 76 को चेक करते हैं, 76 पे बनता है वी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 97 पे बनता है के, मतलब हमें सिर्फ दो ऑप्शन में से ढूंढना है, ठीक है, दो ऑप्शन में से एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए 34 और 41 किसके लिए, सी के लिए, सी के लिए 34 या 41, सी के लिए ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 34 की अगर चेक करें, 3 और 4 पे बनता है जेड, Z का मतलब 34 तो Z को शो करता है, तो ये भी हो गया गलत, और हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, D जो है वो हमारा एग्जैक्टली सही आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए बार्क डॉग, कुत्ते का काम होता है भौंकना, और स्पैरो क्या करती है, स्पैरो जो है वो चू चू करती है, तो क्या आंसर आ जाएगा यहां से, डी ऑप्शन जो है वो इजिली आ जाएगा। और अब तक के सभी क्वेश्चंस के लिए एक क्लैपिंग अपने आप के लिए कीजिए, कमेंट में बराबर देख रही हूं मैं, बोलूं या ना बोलूं क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए। आगे देखिए, आगे करते हैं इसको चेक कि क्या आएगा यहां से। यहां से अगर हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन में, हमारे पास देखिए E5A1 मतलब -4, L12 और J10 मतलब -2, Q17 और O15 फिर से -2, और Z26 और V22 मतलब -4। तो -4, -2, -2 एंड -4, ठीक है, तो चेक कीजिए। V22 -4 करेंगे 18 बन जाएगा R, R के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D जो है वो 27 का इजीली आ जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा, मुझे नहीं आता, मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। 40 से हम गए 100 पे, 40 से हम कहाँ गए 100 पे, तो बताइए हम 56 से कहाँ जाएंगे। 28 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास देखिए क्या बन सकता है, 40 और 10 में कोई रिलेशन नहीं है, 100 में सिर्फ किसके, 10 की टेबल में आते हैं दोनों, ठीक है, तो 10 को 4 से किया तो 40, 10 को 10 से कर दिया तो 100। 56 में ऐसा कौन है जो हमें 50 इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा जो है वो 56 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 14 जो है, 14 4 56, और 14 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, 140 जो है वो इजीली आ जाएगा। यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, जल्दी जल्दी आंसर के जो है वो देते रहिए। 49 में देखिए हमें बताना है ओड वर्ड, बुक, पेन, पेंसिल और वैक्स कलर्स, पेन, पेंसिल और वैक्स कलर ये तीनों ही कलर करने के या लिखने के काम आते हैं, बुक होती है वो पढ़ने के काम आती है, तो ऑप्शन आ जाएगा यहां से ए, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला देखिए हमारे पास क्या गिवन है, अगले में हमें बताना है फिर से ओड लेटर AZF। देखिए ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, LO एक दूसरे के अपोजिट है, EV और ZA, तो देखिए हमारे पास बच गया क्या F, F देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये बन गया 1A1Z26, इसको क्या करें, 6 जो में से इसका जो लास्ट है वो 6 है, तो हमारे पास आ चुका है यहां से ZF, F जो होता है 6, Q17, J10, C3, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो हमारा ऑप्शन आएगा। 30 में हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा D, डी इसलिए आएगा क्योंकि बाकी तीन में हमने बताया था पहला लेटर पहले है और उसके अपोजिट वाला बाद में, लास्ट में हमारे पास क्या है AZ होना चाहिए, ZA उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा D जो है वो आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
41 से 22, 63 से 93, 82 से 44 और 83 से 64। तो बताइए हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ सकता है 31 का। 31 में देखिए गैप निकाल के देखते हैं, क्योंकि ना स्क्वेयर है ना ऐड है ना कुछ भी है। गैप अगर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से आ जाएगा 19 का, इसमें आ जाएगा 30 का, इसमें अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां से आज हमारे पास आ जाएगा 8 और क्या आ जाएगा यहां से 3 का, 38 का, और इसका अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां से 9 और 1। तो मतलब 19, 38 और 19, ये 19 की टेबल में आ जाते हैं। लेकिन 30 जो है मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी इसकी टेबल में नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा बाकी सबसे डिफरेंट। ठीक है, आपके आंसर जो है वो आते रहने चाहिए, रुकिए मत, मैं वेट कर रही हूं आपका। ये मत सोचिए कि मैं देख नहीं रही, देखिए क्वेश्चंस को करना अपनी जगह है और क्वेश्चन को आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं, आपकी तरफ ध्यान रखना मेरा भी, वो मेरा अलग काम है, तो दोनों काम मैं बराबर कर रही हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास 1, 1, 2 या 4, 1, 2 या 4 में से देखिए सी ए डी ए, सी ए डी डी और सी ए डी डी, तो सी ए डी ए तो सबसे पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 1 का ऑप्शन सबसे पहले। अच्छा 1 में भी दो ऑप्शन है, ठीक है, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। 1 के बाद 2 दे रखा है, 4, 5 में चेक कीजिए, 4, 5 में सी ए डबल डी है और सी ए डी ई है, तो पहला कौन सा आ जाएगा, 4th पहले आएगा, तो हमारा 1, 2, 4, 5 जो है वो सही आएगा, 4th पहले और 5th जो है वो बाद में। ठीक है, यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। बढ़ते रहिए आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखिए ए सी ई 1, 3, 5, यहां से 6, 8 और 10। ठीक है, गैप देख रही है आप, हमारे पास प्लस 2 का जो है वो रूल है, के है 11, 13 और 15। देखिए हमारे पास 5 से 6 आ गया था, 10 से 11, 15 से 16 आ जाएगा, तो 16, 18 और 20, मतलब क्या आ जाएगा यहां से पी आर और टी आना चाहिए। ढूंढिए कहां पर गिवन है पी आर टी, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो क्लियरली गिवन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, 34 में बताइए, ये तो क्या है 9 की टेबल हो जाएगी क्या, ये हमारे पास 9 की, तो इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, इसको 6 से, तो अगला किसको कर देंगे 6 से नहीं 8 से, 8 2 16 होता है 8 से, तो इसको कीजिए 16 से मल्टीप्लाई, 576 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा यहां से 9216, इजिली आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है, हमें बताना है यस्टरडे पूनम टोल्ड अक्षय, पूनम टोल्ड अक्षय, यस्टरडे शी डिफीटेड, शी मतलब पूनम, शी मतलब वो लेडी है, शी डिफीटेड अक्षय ओनली सिस्टर, मतलब ये लेते हैं हम यहाँ पे ये अक्षय, अक्षय की सिस्टर, ये सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर की डॉटर स्नेहा, स्नेहा इन द स्कूल। ठीक है, Yesterday she defeated Akshay's only sister's daughter Sneha in the school. How is Akshay related to Sneha? अक्षय स्नेहा से कैसे जुड़ा है, वो क्या है अक्षय के बहन की बेटी है, क्या हो गई भांजी, तो वो क्या बन गया उसका मामा बन गया, उसका अंकल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या बनता है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर हमारा 36, इन ए रो ऑफ बॉयज तारक इज 18 फ्रॉम आइदर एंड, आइदर का मतलब वो दोनों दोनों तरफ से, मतलब वो क्या है लेफ्ट से भी 18 है और राइट से भी क्या है वो 18, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, देखिए क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, माइनस वन क्यों, क्योंकि 18th जो है वो वहां से भी काउंट हुआ और वहां से भी, 17 बच्चे इस तरफ बैठे हैं, 17 इस तरफ, 17 प्लस 17 कितने हो गए 34, और वो बीच में बैठा है एक 35, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 35 जो है वो आ जाएगा। अगर यहां से निकालेंगे तो लेफ्ट क्या हो जाएगा 18 प्लस 18 36 माइनस 1 करेंगे तो 35 ही आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान दीजिए,
37 में देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ गिवन, एब्सोल्यूट से क्या नहीं बन सकता। 37 में देखिए, एब्सोल्यूट से क्या नहीं बन सकता, ये बनेगा, ये भी, ये भी, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताइए, इसमें क्या एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से हमारा ये वर्ड नहीं बनेगा, बताइए बताइए क्या एक्स्ट्रा इस वर्ड के अंदर जिसकी वजह से हमारा जो है ये नहीं बनेगा। वेटिंग फॉर योर आंसर, यस वी जो है वो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये वर्ड जो है वो नहीं बनेगा। एब्सोल्यूटली राइट आंसर स्टूडेंट्स, आपका मेरा जो ध्यान है वो कमेंट्स की तरफ बराबर है, क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, नहीं तो टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ओड वर्ड बताना है हमें, लूडो गेम है, चेस भी गेम है, पोलो भी गेम है, कैरम भी, लेकिन बाकी तीनों इंडोर गेम है, पोलो जो है वो आउटडोर गेम है। ये तीनों कैसी हैं? इंडोर, और पोलो कैसी है? बाहर खेलने वाली। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, हमें दो सिंबल जो है वो इंटरचेंज करने हैं। इंटरचेंज करेंगे तो एक तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पर क्या कर दें, डिवाइड अगर कर दें तो शायद बात बन जाए। ठीक है, डिवाइड का सिंबल हमारे पास एक ही है, ये रहा, तो चेक करते हैं कि बनेगा या नहीं। यहां से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 4 माइनस, ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 प्लस 9 थ्रीजा क्या हो गया 27। बिल्कुल नहीं बना, मेरा जो जो तीर था वो गलत निशाने पे लग गया, ये जो है वो नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। 38 में कुछ और करते हैं, प्लस माइनस को चेंज करके दे देखिए, हिट एंड ट्रायल लगाना है तो कहीं से भी लगाइए, यहां कर दीजिए प्लस और ये कर दीजिए माइनस, तो 4 प्लस 50 माइनस क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3, 54 माइनस 3 क्या आ गया 51, लग गया है तीर एग्जैक्ट निशाने के ऊपर। पहली बार में ना सही, दूसरी बार में हमने जो है वो अपना झंडा सही जगह पर गाड़ दिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 में देखिए क्या गिवन है, 40 में हमारे पास 12, 20 एंड 16, 21, 35 एंड 28, बताइए बताइए क्या करेंगे अब। अब हम करते हैं इसको, क्या करें 40 नंबर क्वेश्चन में, ये देखिए हमारे पास क्या आ सकता है यहां से। अगर हम यहां से 16 में से 12 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 4, 4 फाइव जा बन सकता है 20, 28 में से 21 माइनस करें तो बनेगा 7, और 7 फाइव जा होता है 35। ठीक है, समझ में आ गया, तो कीजिए लास्ट पे ट्राई कि डैश एक्स में से 48 माइनस कीजिए, जो आएगा आंसर ठीक है उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 80, मतलब अगर 5 से डिवाइड कर दे तो क्या आना चाहिए 16। ठीक है, 16 यहां पर आना चाहिए ऐसे, और किस में से 48 को माइनस करें कि 16 बच जाए, 64 में से 16 माइनस करके देखिए 48 जो है वो इजीली आ जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए हमारे पास क्या बन सकता है ये, 8 6 48 48 2 96, ये तो बن गया, 15 2 30 32 60, ये भी बन गया, तो 5 6 30 30 को किससे करें मल्टीप्लाई की 120 बन जाए, 4 से, ऑप्शन नंबर यहां से आ जाएगा बी, और आपके जो आंसर हैं वो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं और आते रहने चाहिए, क्लैपिंग चाहिए, बिल्कुल करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद। बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, जैसे ही कोई बच्चा इसका आंसर निकालेगा मैं करूंगी उसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका, कितने ट्रायंगल्स हैं बताइए यहाँ पे हमारे पास। देखिए एक तो पहले इस तरह की फिगर में, ऐसी फिगर में कितने होते हैं हमारे पास, ऐसी फिगर में होता है 1 2 3 4, 4 × 2 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 8 8 8, 8 4 32 तो डायरेक्टली बन गए। फिर ऊपर से अभी अभी बताया था मैंने इस तरह के ट्रायंगल में 3 यहां से 3 यहां से,
32 + 6 38 हो गए। अरे रुकिए रुकिए, अभी बाकी है, 38 आंसर नहीं आएगा इसका। जहां पर ये मैच करते हैं वहां पर भी तो अभी मिक्स की है ना फिगर्स, अभी तो और भी बनेंगे। 38 तो हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 तो हम काउंट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अगर बात करें तो देखिए, जितने इसके बीच में ये डॉट बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जितने कॉर्नर को छोड़ने के बाद बीच में जॉइंट्स आते हैं उतने ट्रायंगल्स और बनते हैं। तो कितने हो गए, 44 यहां से हमें मिल चुके हैं। और 42 का जो हमारा आंसर आएगा वो एग्जैक्टली यही आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाला आंसर, किस किस का सही निकला? चलिए जिसने भी निकाला है उसके लिए क्लैपिंग तो बनती है, और नहीं तो मैंने तो निकाला ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। स्टेटमेंट और कंक्लूजन चेक कीजिए। ऑल डेंस आर स्पाइरल, सम स्पाइरल्स आर कार्ड्स। ये बनाया मैंने डेन। ऑल डेंस आर स्पाइरल, सम स्पाइरल्स आर कार्ड्स। ठीक है, कंक्लूजन, सम स्पाइरल्स आर नॉट कार्ड्स, सम स्पाइरल्स आर नॉट कार्ड्स। क्या ऐसी कोई कंडीशन हमें दी गई है? नहीं वाली, बिल्कुल नहीं दी, तो इसका मतलब ये गलत है। जब तक नेगेटिव दिया ना हो अपने आप से कभी उसको यस मत कीजिए। सम कार्ड्स आर डेन, सम कार्ड्स आर डेन, कार्ड का रिलेशन सिर्फ स्पाइरल के साथ है, डेन के साथ है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो दोनों हो गए गलत। क्या ऑप्शन आ जाएगा? नन ऑप्शन आ जाएगा, नो कंक्लूजन फॉलोज हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया है क्यूब और डाइस का क्वेश्चन। क्यूब और डाइस में देखिए हमारे पास क्या आएगा। क्यूब और डाइस की अगर बात करें, अपोजिट टू फेस बी हमें निकालना है। बी के अपोजिट, बी के अपोजिट तो निकल जाएगा, चेक कीजिए कॉमन क्या है। कॉमन है यहां से सी। ठीक है, सी से चलिए लेफ्ट की तरफ, क्लॉकवाइज बी मिल गया, आगे एफ मिल गया। क्या आ गया? बी इज अपोजिट टू एफ, जो है वो बिल्कुल सही है। और एक क्लैपिंग जिसने भी ये क्वेश्चन निकाला है, क्योंकि क्यूब और डाइस के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा ध्यान है आपकी तरफ, सोचिए मत कि मैडम नहीं देख रही, कमेंट्स में आपके बराबर देख रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, हमें बताना रिलेशन प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फीमेल का। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि फीमेल जो है वो प्रोफेशनल हो भी सकती हैं और हाउसवाइफ भी हो सकती हैं। ठीक है, फीमेल जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल जो हैं वो कंप्लीट लिंक होगा या फिर जो है वो डिफरेंट होगा, बताइए। बिल्कुल जी, क्या आएगा इसमें? देखिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशन अलग अलग होते हैं, उनमें से एक प्रोफेशन होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ठीक है, प्रोफेशन तो सारे होते हैं, अब उसमें से क्या है, कुछ लेडीज प्रोफेशनल होंगी कुछ नहीं होंगी, कुछ सीए होंगी कुछ नहीं होंगी। क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास? बी जो है वो इजिली बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट कीजिए इसे, इसे करेंगे तो एक तो सेंटर से चल पड़ेगी लाइन ऐसे, और एक यहां से चल पड़ेगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से? और 46 में हमारे पास ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये जो है ए ऑप्शन हमारा, आंखें बंद करके लगा दीजिए, ए ही ऑप्शन जो है वो आएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिनिश जो सेट जो है हमारा फिनिशिंग लाइन की तरफ चल पड़ा है। हमें बताना है कि ये जो है किस में जो है वो ली गई है लाइन, तो जहां तक मेरा आइडिया है ये 47 में बी ऑप्शन में क्लियरली विजिबल है। देखिए यहां से ये लाइन ले ली, ये उसका सेमी सर्कल और ये उसकी कर्व मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहां से? बी ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा। जब मैं इसको करूंगी ऊपर की साइड ओपन ऐसे, तो एक जो ट्रायंगल सीधा कटा है ये ट्रायंगल तो हो जाएगा मेरे पास उल्टा ऐसे। ठीक है, 48 में। ठीक है, और उसके बाद जो ये सेमी सर्कल है ये हो जाएगा कंप्लीट ऐसे। फिर इसको जब खोलेंगे,
ठीक है, तो देखिए कट बाहर की साइड भी है, तो कट हमारे यहां भी लगते चलेंगे, कट ऐसे आ जाएंगे, ऐसे यहां से एक ट्रायंगल सीधा, एक ट्रायंगल उल्टा, और ये मेरे पास जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ सी में दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा, ठीक है, तो सी आंसर मेरा आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए स्टूडेंट्स, 9 में हमारे पास मिरर इमेज निकालनी है, तो सबसे पहले आर हो जाएगा अपोजिट विद सर्कल, सी हो जाएगा अपोजिट विद सर्कल, तो ये गलत और उसके बाद ये भी गलत, मिल गया आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए मिल चुका है इजिली। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, और आपके इसके बाद आपके लिए करेंगे जबरदस्त क्लैपिंग, निकालना है ट्रे के लिए, ट्रे के लिए हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो सेम 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 होगा उसे चेक करते हैं। देखिए बी में हमारे पास 2 में 41 41 दे रखा है, 2 के लिए सेम वैल्यू तो नहीं हो सकती, एक तो डेफिनेटली गलत होगा, तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही कल कट गया, ठीक है। अब बाकी तीन में से ढूंढना है हमें, बाकी तीन में से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट को चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट में देखिए हमारे पास 00T के लिए, ये रहा 00T के लिए, सही है। 04 04 हमारा बन रहा है R, जो कि बिल्कुल सही है। 68 68 बन रहा है A, ये भी सही है। और 02 बन रहा है Y, तो देखिए ये जो तीर है वो एग्जैक्टली निशाने के ऊपर लग चुका है, ठीक है। और क्या करना है, करनी है एक क्लैपिंग सभी राइट आंसर्स के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले या मेरे साथ साथ दिए थे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब करने हैं आपको दो काम जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, क्या है वो काम, एक तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे पास लिख कर भेजिए जल्दी से कि मैडम हमें ये समझ में आया या नहीं, सेशन आपको आज का कैसा लगा, वेट कर रही हूं मैं, मुझे आपके कमेंट का हमेशा जो है वो वेट होता है, जल्दी से भेज दीजिए कि आपको आज का जो सेशन है वो कैसा लगा। दूसरी बात, बहुत सारी क्लैपिंग्स बटोरी हैं आपने, तो अब कुछ जो है वो टीचर के लिए भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो दबा के कीजिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और अंगूठा जो है वो अंगूठे की जगह पर लगा दीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के सेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कमेंट और लाइक और शेयर ये दो काम आपको जरूर करने हैं, जल्दी से बता दीजिए आज का सेशन कैसा लगा। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए नमस्कार।